पेपर लीक में ओपी राजभर के करीबी सुभाजपा विधायक बेदीराम का नाम आया सामने। वायरल वीडियो में देखें क्या बोले। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाजपा के विधायक का पेपर लीक से कनेक्शन सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। नीट पेपर लीक मामले में यूपी में सत्ताधारी दल बीजेपी के सहयोगी पार्टी सुभाजपा के विधायक बेदीराम का भी नाम सामने आया है। एक स्टिंग ऑपरेशन में बेदीराम को उत्तर भारत का सबसे बड़ा पेपर लीक करने वाला मास्टरमाइंड बताया गया है। ये राज विजेंद्र गुप्ता नाम के अपराधी ने उगला है, जो बेदीराम के साथ जेल में बंद रह चुका है। वहीं कांग्रेस ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा है। बेदीराम का पेपर लीक मामले में नाम उछलने पर फिलहाल उनकी पार्टी सुहेलदेव पार्टी समाज की ओर से कहा जा रहा है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस ने सीएम से पूछा कार्रवाई कब होगी। यूपी कांग्रेस ने एक्सपोज पर वीडियो के साथ लिखा है कि एनडीए अलायंस के सहयोगी दल सुभाजपा के विधायक पेपर लीक गैंग में सरगना। गाजीपुर की जोखनिया विधानसभा से सुभाजपा के विधायक बेदीराम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पेपर पैसे लेकर लीक करने की बात कर रहे हैं। इस तरह वो पेपर लीक करते और रिजल्ट बदलते, इसका पूरा विवरण भी बता दिया। वीडियो में देखा जा रहा है कि पेपर रद्द होने पर परीक्षार्थी विधायक जी से पैसे मांग रहे हैं, जिस पर विधायक जी हड़काते हुए कहते हैं कि रिजल्ट की बात होती है, ज्वाइनिंग की बात नहीं होती। आपको बता दें कि विधायक बनने से पूर्व ये पेपर लीक मामले में जेल भी काट चुके हैं। अगर ये वीडियो सही है तो पेपर लीक में बीजेपी सरकार की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आदित्यनाथ सरकार कल ही पेपर लीक को लेकर यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आई है। अब इस वीडियो का आना ये दर्शाता है कि ये युवाओं को ठगने में अतिरिक्त कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के अंतर्गत विधायक जी पर कार्रवाई कब होगी। वहीं अखिलेश यादव ने भी एक्स पर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा कि मुख्यमंत्री जी, आपका खासम खास निकला पेपर लीक सरगना, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते आपको शर्म नहीं आती। स्टिंग में आया विधायक बेदीराम का नाम सामने। बीते दिनों एक स्टिंग ऑपरेशन में पेपर लीक करने वाले गिरोह के सरगना विजेंद्र कुमार को उत्तर भारत का सबसे बड़ा पेपर लीक मास्टरमाइंड जौनपुर के बेदीराम को बताया गया। बेदीराम सुहेलदेव समाज पार्टी के गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक और पार्टी सुप्रीमो ओपी राजभर के बेहद करीबी माने जाते हैं। हालांकि इस मामले में बेदीराम की तरफ से अभी इसमें कोई सफाई नहीं दी गई है। विधायक का वीडियो हुआ वायरल, पार्टी ने विधायक पर लगे आरोपों का किया खंडन। बेदीराम का वीडियो वायरल होने और बीजेंद्र गुप्ता के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर अब सुहेलदेव समाज पार्टी सुप्रीमो योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर बात करने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं उठा। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद और विपक्षियों की उन्हें बदनाम करने की साजिश भर है।